ज्ञानवापी में शिवलिंग पर बड़ी खबर। न्यूज स्टेट पर ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम का बयान, यहां शिवलिंग नहीं फवारा है ये कहना है इमाम का। मंदिर तोड़कर नहीं बनी है मस्जिद, इमाम का कहना है। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, औरंगजेब ने कभी कोई मंदिर नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने काशी में मठ मंदिर बनवाए हैं, कुछ ताकती माहौल खराब करना चाहती है ये इमाम का कहना है। जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी इलाके में कमीशन के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वजू के तालाब में जो हौज है वहां पर शिवलिंग मिला है, जबकि दूसरा पक्ष लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि यहां पर शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। हम पहुंचे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम और मुफ्ती बनारस, साथ ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जनरल सेक्रेटरी के पास। मुफ्ती साहब, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मुफ्ती बनारस भी हैं और उस ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम भी हैं, तो ये जो कमीशन की कार्रवाई हुई उसके बाद जो पहली कार्रवाई हुई उसमें ये बातें सामने आई कि आपके तरफ से विरोध हुआ? देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न आपका विरोध का जो है, तो ये बात बहुत ज़्यादा फैलाई गई कि लगता है कि कुछ सच्चाई छुपा रहे हैं इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध का मकसद ये नहीं था, उसकी वजह ये नहीं थी कि हम सच्चाई छुपा रहे हैं। यहाँ की मकामी अदालत ने, सिविल कोर्ट ने जो उसमें वो दिया था आदेश, वो बाहर वीडियोग्राफी का था, शरंगा गौरी के ताल्लुक से। मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी का उसमें कोई आदेश नहीं था। ये कमीशन ज़बरदस्ती अंदर जाकर वीडियोग्राफी करना चाहते थे, विरोध उसका हो रहा था और फिर विरोध की वजह उसकी, जब दोबारा हमने कोर्ट के अंदर रابطہ कायम किया और अपनी दरख्वास्त एतराज़ दर्ज कराया, तो उसके बाद फिर ज़िला जज ने यह फैसला दिया कि भाई अंदर बहस सब होगी, तो हम लोग तैयार, भाई कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना ज़रूरी है। आखिर में बिल्कुल अच्छे माहौल से तीनों दिन वो हुआ और आखिर में मामला आगे फंस गया वो हौज का, जो हम एक ज़माने से उससे वज़ू करते रहे। आपको मालूम है कि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है, अचानक करते करते उसमें उन्होंने वो फव्वारा देख लिया और उस फव्वारे को वो कह बैठे कि भाई ये तो शिवलिंग है। इसके बारे में मैं आपको बतला दूं कि देखिए, आज से 100-200 साल 300 साल पहले जो मस्जिदें बनती थीं उसमें वज़ू करने के लिए इसी तरीके से हौज बना करता था और हौज में अच्छा लगने के लिए फव्वारा भी डाल देते थे। आप सिर्फ बनारस में की बात करें तो बनारस में भी कई मस्जिदों को मैं मिसाल के तौर पर कह सकता हूँ। आप पूरे यूपी में, सिर्फ आप जा पूरे इंडिया छोड़ दीजिए, सिर्फ पूरे यूपी में आप जाकर देखिए, आपको सैकड़ों इस तरीके के हौज मिलेंगे जिसके बीच में फव्वारा लगा हुआ है, और वो है तो वही फव्वारा वहाँ भी लगा हुआ है जिसे जो चलता था यहाँ पे और काफ़ी ज़माने से इस्तेमाल होता है। किसी वजह से इधर कुछ अरसे से वो बंद पड़ा था, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से बंद पड़ा था, तो वो हौज था और वो फव्वारा था, फव्वारा है और उसको शिवलिंग से जोड़कर उसको इस हिसाब से देखना, ये कहीं से कोई बात समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि आपको भी मालूम होगा कि जो शिवलिंग होता है उसमें बीच में सुराख नहीं होता, छेद नहीं होता है, जबकि इसमें आपको फोटो आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो कई कई उसमें सुराख है। और कमिश्नर एडवोकेट के सामने हमारे वकीलों ने उसके अंदर बहुत लंबी सीख डालकर डालते गए, वो अंदर जाती गई, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद एक तरफा उन्होंने कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि भाई शिवलिंग पर्याप्त हुआ है और वहाँ पे उसमें उसको वो किया जाए और हमारे पूजा वो उसको वो किया जाए, यानी हम उसमें मुस्लिम पक्ष को जाने से रोका जाए, सीज किया जाए, ये सब तरह की दरख्वास्तें उन्होंने दी। तो इस मौके पर मैं आपको ये बात बतला दूं कि देखिए, उसी दिन की बात है, बड़ी हैरतनाक बात है ये, जब इन लोगों ने कोर्ट से कांटेक्ट किया उससे ठीक आधा पौन घंटा पहले डीएम साहब ने मीडिया से रूबरू होकर ये वाज़ह तौर पर कहा कि अगर बीच के कुछ लोग दावा करते हैं कि ये मिला वो मिला, ये पाया वो पाया, तो ये उनकी अपनी निजी राय है, हकीकत वही उसी वक्त मानी जाएगी जो कमीशन कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो पेश करे और कोर्ट जो कहे वो सही माना जाएगा, बाकी जो लोग
इतना स्पष्ट कहने के बावजूद उसके ठीक आधा घंटा पौन घंटे के बाद ये सब कुछ हो गया और कोर्ट में ये दाखिल किया गया, दरख्वास्त दाखिल की गई। कोर्ट ने हमको भी नहीं पूछा, बुलाया भी नहीं, हमारी बात नहीं पूछी सुनी, हमसे कुछ वो नहीं किया और एक तरफा कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो गया कि उसको सीज किया जाए और मुसलमानों को वहाँ जाने से रोका जाए और ये किया जाए उसके खिलाफ। तो मुफ्ती साहब ने हर एक बात का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है और सच्चाई जो भी है वो न्यायालय के सामने जरूर आएगी। बनारस ताने बाने की तरह हिंदू मुस्लिम एक साथ जुड़े रहते हैं और यही वो कहते भी हैं कि सभी लोग फिर से उसी गंगा जमुनी तहजीब के साथ एक साथ रहे, एकता बनाए रखे। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो माना जाएगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय करेगी। जो ऐसी ताकतों के बारे में भी जिक्र किया जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं उसमें वो कामयाब बनारस में बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।